हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अस्किता ठाकुर है और मैं मिडिल क्लास की एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं जिसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। अभी तो मैं एक छोटे से गांव में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ, लेकिन सबको अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना होता है। वैसे ही मेरे भी बहुत कुछ सपने हैं और मैं देख रही हूँ कि कुछ महीनों से 75 डेज हार्ट चैलेंज बहुत ज्यादा ट्रेंड में, जिसके जरिए लोग अपनी अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मेरी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये चैलेंज मेरे लिए भी फायदेमंद है। तो आज से मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैलेंज के रूल्स जो होंगे वो मेरे ज्यादातर पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए होंगे। तो आज सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। फिर ब्रश करने के बाद मैंने पिया गरम पानी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। ऐसे तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने की ही कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार जॉब की वजह से और घर जाने की वजह से कंटिन्यूटी टूट जाती है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए उतनी पढ़ाई काफी नहीं हो रही है जितना मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर होती तो मेरा कोई ना कोई पेपर निकल गया होता। वैसे तो मैंने BSc नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे नर्सिंग के पेपर आने वाले हैं, जिसमें जिम्स, KGMU, एम्स जैसे पेपर होंगे और इन पेपर्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मेहनत की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट तो साल दो साल की तैयारी के साथ बैठे हैं इस पेपर को देने के लिए। वैसे मैंने तो 2021 में पास आउट किया है, जिसके बाद मैंने 6 महीने कोचिंग के बाद डायरेक्ट एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन किया है। अभी फिलहाल मैं अपने घर वालों से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, जहाँ मुझे अकेले रहना पड़ता है, अकेले खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है, अपने जॉब को मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद मुझे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना। तो अभी थोड़ी देर नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने YouTube पे क्लास करी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी पढ़ाई किस लेवल की हो रही है। उसके बाद थोड़ा सा घर का काम निपटाया है, क्योंकि आज छुट्टी है तो घर का काम कर सकती हूँ, रेगुलर ड्यूटी में बस नेसेसरी जो है वो बस करके और ड्यूटी के लिए निकल जाती हूँ। और मेरे चैलेंज में 4th रूल है सेल्फ केयर। थोड़ी बहुत सेल्फ केयर करने वालों में से तो मैं हूँ, लेकिन 75 डेज तक मैं सेल्फ केयर में क्या करूंगी, ये मेरे खुद के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखेंगे। वैसे खुद की केयर करना और खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कि मेरे बालों का एलोवेरा सूखेगा तब तक मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, और आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो घर का कोना कोना चमका दूंगी। वैसे 2-4 दिनों में मैं साफ कर लेती हूँ अपना रूम बहुत अच्छे तरीके से। झाड़ू पोछा तो रोज कर लेती हूँ, लेकिन कोने कोने में भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली और चूहे से लगता है कि वो अपना घर न बना ले मेरे कमरे में, इसलिए 2-4 दिनों में कोने कोने का सामान निकाल के पूरा रूम साफ कर लेती हूँ। आज बेडशीट वगैरह भी धो लूंगी, क्योंकि आज फास्ट है तो खाने में कुछ ज्यादा बनाना नहीं है मेरे को, और वैसे भी दुर्गा पूजा की वजह से 1-2 दिन की छुट्टी मिली है, तो घर का सारा काम इन छुट्टियों में ही निपटा लूंगी। जो कि मैंने ये 75 डेज हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया है वो ड्यूटी के बाद वाले टाइम में होगा, जिनमें की 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करने में मुझे घर के काम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पूरे 24 घंटे में से 8-9 घंटे की स्टडी, 6-7 घंटे की जॉब और 6 घंटे की स्लिप के बाद 2-3 घंटे ही बचेंगे जिसमें मुझे सारा काम निपटाना है। वैसे एक अच्छी बात ये है कि जहाँ मैं ड्यूटी जाती हूँ, मेरे सेंटर से जहाँ मेरा रेंट का रूम है वहाँ से डिस्टेंस 4 किलोमीटर का ही है, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे मुझे ड्यूटी पहुँचने। अभी नहाने धोने के बाद मैंने मटका भर लिया है, खाना मैं अपने रूम के अंदर ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओपन किचन है और आसपास के इलाकों में बंदर बहुत परेशान करते हैं, और रूम के अंदर खाना बनाने से मेरे लिए भी इजी रहता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा भूख और प्यास लगती है, तो जल्दी से उठ के मैं खाने का कुछ बना लेती हूँ, ज्यादा आलस नहीं लगता या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर पूजा करने के बाद मैंने पिया है चाय, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो पूरे दिन जूस, फ्रूट या चाय पे ही रह लेती हूँ, तो आज फ्रूट तो है नहीं तो चाय पी लेती हूँ। फिर जूते पहनने के बाद मैं और मेरे पड़ोसी टेरेस पे गए हैं, और देखो जाते ही बंदर कितना परेशान करने लगे। उसके बाद मैंने करी 2-4 एक्सरसाइज, जिसमें उठक बैठक, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, फिर नीचे आने के बाद भी 1-2 एक्सरसाइज करी। स्किपिंग के बाद ऐसी 1-2 एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, कहते हैं ब्रेथ टैगिंग नहीं होती है। आधे घंटे 40 मिनट की एक्सरसाइज के बाद भी मैं बहुत ज्यादा थक गई। उसके बाद पिया है 1 लीटर पानी, और अभी मैं नोटिस कर रही हूँ शायद पानी पीने से ही फेस पे पिंपल्स एक भी नहीं है। उसके बाद काटे हैं अपने लिए सेब। मेरी पड़ोसी ने शाम को चाय बनाया था अपने लिए, तो मेरे लिए भी 1 कप बना दिया और दे दिया, तो मैं पढ़ते पढ़ते चाय और मूंगफली खा रही हूँ। अभी देखो स्पेक्स मेरे सर पे ही लगे हुए हैं, लेकिन पूरे कमरे में मैंने ढूंढ लिया, फिर पता चला कि ये तो मेरे सर पे ही है। फिर टारगेट हाई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं बैठ गई हूँ PR यादव के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर भिगोए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मैं कल खाऊंगी। फिर 10 बजे हाथ पैर और फेस वॉश करने के बाद मैं अब सोऊंगी। अगर आपको इस वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।